गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने निर्माणाधीन रेल कम रोड ब्रिज का किया स्थलीय निरीक्षण। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से ताड़ीघाट स्टेशन तक बन रहा ब्रिज गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल कम रोड ब्रिज का निरीक्षण मंत्री ने नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की जताई उम्मीद। गाजीपुर से है जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज दौरा किया। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में निर्माणाधीन रेल कम रोड ब्रिज का निरीक्षण किया। गंगा नदी पर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से ताड़ीघाट स्टेशन तक बन रहे ब्रिज का मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई। विकास को तीर्थ मानते हैं, केवल मंदिर और मस्जिद नहीं तीर्थ नहीं है, पर्यटन नहीं है, बल्कि विकास भी हमारा तीर्थ का स्थान है। जब विकास होते हैं तो आम जनता का भला होता है, देश का समाज का कल्याण होता है। तो आज पूरे देश भर में हम सब लोग निकल कर जहाँ विकास काम हो रहे हैं उनको चेक करना है कि टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गति क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इसका देखा गया है। और साथ ही साथ हम विकास का दर्शन करते हैं। दर्शन के पीछे भाव यह है कि जब जल्दी से बनेगा, देश को समर्पित होगा, उससे आम जन को, देश को लाभ होगा। तो आज एक निमित्त हम लोग यहाँ देखा गया है। यह 1962 में यहाँ के स्वर्गीय सांसद जी ने, विश्वनाथ गामरी जी ने लोकसभा में उठाया था कि गाजीपुर में एक दिलदार नगर ताड़ीगढ़ के बीच में लाइन बनना चाहिए। एक बनाया गया पटेल आयोग, पटेल आयोग ने सिफारिश किया, 10 पॉइंट रखा था। वो 10 पॉइंट में एक पॉइंट यह भी था कि ताड़ीघाट से दिलदार नगर का एक लाइन बनना चाहिए। 1962 से ले करके 14 तक, यानी कि लगभग 38 लगभग 56 साल तक किसी ने इसका सूझबूझ नहीं लिया। जबकि लोकसभा के अंदर पटेल आयोग बनने के बाद उनके सिफारिश में था, लेकिन करीब 55-56 साल तक किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। 16 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तब इन्होंने संज्ञान लिया और करीब 1400 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। बीच में कोरोना काल आ गया था, इस कारण थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन इसका एक फेस बन के तैयार हो गया जून में और सेकेंड फेस नवंबर तक बन जाएगा। जल्दी ही इसका माननीय प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे। इसके बन जाने से जो हमारी दूरियां हैं वो कम हो जाएगा, आम जनता को राहत होगी, नीचे ट्रेन ऊपर रोड, इससे आम जनता का समय बचेगा, हमारा यातायात सुगम होगा। हम सब लोग पुनः इसको मंदिर मान करके इसका दर्शन करने के लिए आए। मंत्री जी, आज जो है जनपद में एक महिला की मौत हुई है, वो भी पुलिस की पिटाई से आरोप लग रहा है, इसको लेकर क्या करें? उसकी जांच होने जा रही है और चाहे जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा।